श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने वारदात को अंजाम देने से पहले एक हॉलीवुड वेब सीरीज डेक्स्टर देखी थी। क्या है इसका सच, आइए जानते हैं। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब हॉलीवुड की वेब सीरीज देखने का शौकीन है। वेब सीरीज देखने के बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर शव के टुकड़े करने की साजिश रची। चूंकि सैफ होने के वजह से उसे शव के टुकड़े करने और उसे सुरक्षित करने की जानकारी पहले से थी, इसलिए उसने हत्याकांड को लेकर पूरी योजना बना ली थी। इसलिए वह जंगल के आसपास का एरिया तलाश रहा था। क्या है डेक्स्टर वेब सीरीज की कहानी? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि डेक्स्टर वेब सीरीज की कहानी में आखिर ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के साथ ऐसी दरिंदगी की। दरअसल डेक्स्टर एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसमें माइकल सी हॉल ने डेक्स्टर का किरदार निभाया है। इसकी कहानी 3 साल की उम्र में अनाथ हुए डेक्स्टर नाम के लड़के के आसपास घूमती है। इस बच्चे को मियानी पुलिस अफसर हैरी मॉर्गन अडॉप्ट कर लेता है। बच्चे ने बचपन में अपनी माँ की आरी से हत्या देखी थी। यह वारदात उसके जहन में बैठ जाती है। हैरी मॉर्गन डेक्स्टर के दिमाग में लगे इस सदमे को पहचान जाता है। इसके बाद वह कानूनी दाव पेच को ध्यान में रखकर उसकी हत्यारों का मर्डर करने में सहायता करता है। इससे वह मर्डर के अपराध से बच निकलता है। इसके बाद डेक्स्टर खुद को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस मेट्रो स्टेशन में फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट की जॉब करता है। आफ्ताब ने हिमाचल में रची थी श्रद्धा की हत्या की साजिश। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की साजिश अप्रैल में ही रच ली थी। इसी वजह से उसने हिल स्टेशन पर घूमने की योजना बनाई। वह हिमाचल प्रदेश में ही वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन वहां घूमने जाने की जानकारी श्रद्धा के दोस्तों व कुछ अन्य नज़दीकी लोगों को हो गई थी। इसके बाद उसने साजिश को अंजाम देने के लिए दिल्ली को चुना। यह बातें आफ्ताब से पूछताछ के दौरान सामने आई हैं। शव ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में जब वह हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सका तो करीब 3 सप्ताह तक वहां रहने के बाद दिल्ली आ गया। यहां पहाड़गंज इलाके में एक होटल ले लिया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया के जरिए दिल्ली के उन इलाकों का पता लगाने में जुट गया जहां ग्रीन बेल्ट अधिक है, ताकि सब को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। नमस्कार।